तो जय हिंद भाइयों, वन सेकंड स्वागत है आपका एक बार फिर से। सो फाइनली इट्स गोना बी वेरी इंपॉर्टेंट अपडेट फॉर ऑल ऑफ यू गाइस जिन्होंने भी SSGD की एग्जाम क्वालिफाई कर चुके हैं जो लोग, और जो फिजिकल की वेट कर रहे हैं और फिजिकल का प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट रहने वाली है। तो SSGD का जो कि आपका रिजल्ट जो था वो आपको जो है मार्च में डिक्लेयर हुआ था, ठीक है। तो आपको जो मार्च में जब रिजल्ट डिक्लेयर हुआ था 25 मार्च के अराउंड आपको रिजल्ट डिक्लेयर हुआ था, और अब जो है अभी तक जो है फिजिकल का एडमिट कार्ड आपको रिलीज़ नहीं किया गया है। तो आखिरकार आपका फिजिकल होगा कब और फिजिकल का एडमिट कार्ड कब आएगा? तो सबसे पहले तो हम लास्ट ईयर की स्टैट्स के बारे में बात करें कि लास्ट ईयर कैसा प्रोसेस हुआ था, कब आया था और क्या हुआ था। लास्ट ईयर भी मैंने आपको फिजिकल के काफ़ी सारे वीडियोज़ भी प्रोवाइड कराए थे, जो कि आपको लाइव वीडियोज़ थी जो कि जहाँ पर दौड़ हो रही थी वहाँ के लाइव वीडियो में प्रोवाइड कराया था आप लोगों को लास्ट ईयर। तो इस ईयर भी जैसे आपकी दौड़ शुरू होगी मैं फिर से आपको लाइव वीडियोज़ प्रोवाइड करा दूंगा। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि आपकी जो लास्ट ईयर है वो फिज़िकल और रिज़ल्ट में कितना आपका अंतर था। तो लास्ट ईयर जो आपकी रिज़ल्ट आई थी वो 20 जून को आई थी, ठीक है। लास्ट ईयर की अगर हम रिज़ल्ट की बात करें तो वो आई थी 20 जून को, ठीक। फरवरी मार्च में एग्ज़ाम हुई थी और आपकी जून में रिज़ल्ट आई थी 20 जून को, और इस बार कब रिज़ल्ट आया है आपको मार्च में। तो सारे स्टैट्स को आप नोट डाउन कर लीजिएगा, उसके बाद आपको मैं फाइनली एक डेट बताऊंगा कि आपकी फ़िज़िकल की डेट कब रहने वाली है इस बार की, और आपको एडमिट कार्ड कब से डाउनलोड होगी। उसके बाद अगर हम बात करें आपकी फ़िज़िकल के लिए तो एक अपडेट आई थी जो कि आपको 24 जून को आई थी, जिसमें कि कैंडिडेट्स की जो मेन जो आपकी मेरिट आई थी, जो नॉर्मलाइज स्कोर आई थी, उसमें जो गड़बड़ी थी नाम में वगैरह वगैरह, वो सारे रीजनल ऑफिस में जमा करने की एक अपडेट आई थी। और 30 जुलाई को फिज़िकल की डेट आ गई थी, फिज़िकल का आपका एडमिट कार्ड आ गया था, ठीक है। तो 30 जुलाई को आ गया था, और आपका फ़िज़िकल कब था? अगस्त में था, आई थिंक सो शायद 13 अगस्त से स्टार्ट था आपका, ठीक है। तो 13 अगस्त से स्टार्ट था, ये मैं कंफर्म नहीं हूँ, आप एक बार क्लियर कर लीजिएगा। तो 13 अगस्त मान के चलिए, 13 अगस्त से ही शायद स्टार्ट था। तो आपको जून में रिजल्ट आई थी, जुलाई में आपको फिजिकल का डेट आया था, और आप देख सकते हो कि फिज़िकल का डेट आने के बाद, फिजिकल एडमिट आने के बाद आपको कितना दिन टाइम मिला है। तो ऐसा नहीं, आप ये मत सोचिए कि आपकी जो डेट आएगी उसके बाद आपको 1 मंथ टाइम मिलने वाला है एडमिट कार्ड, फिजिकल एडमिट कराने के बाद, तो ऐसा नहीं है। आपको रिजल्ट के बाद काफ़ी टाइम मिल गया है, ऐसा नहीं, आपको रिजल्ट के बाद काफ़ी टाइम मिला है, पूरा 1 मंथ से प्लस टाइम मिला है, पूरा जुलाई प्लस आपको 1.5 महीने का टाइमिंग, इधर आपको 10 दिन, इधर आपको 13 दिन, 1.5 महीने से प्लस का टाइमिंग मिला था आपको फिजिकल के लिए। तो इस बार भी अगर हम बात करें तो बिल्कुल वैसा ही हो सकता है, क्योंकि आपकी रिजल्ट आई थी मार्च में, अप्रैल आपका ऑलरेडी पार हो चुका है, बट अप्रैल में कोई अपडेट नहीं आई हम लोगों को। अब हम लोग मई में आ चुके हैं, तो मई में जो है आपको अपडेट फाइनली जो है मई में, मिड मई में आपको अपडेट मिल जाएगी। तो 13 मई के जो जहाँ तक मुझे अपडेट मिली है, तो 13 मई को आपकी 13 मई या फिर मिड मई के अराउंड आपको बोर्ड की मीटिंग होने वाली है, जो कि आपको फिज़िकल का सारा प्रोसीड्यूर, मीन्स फिज़िकल का जो आपका स्कड्यूल होता है उसे प्रिपेयर करेंगे, और फिज़िकल का एडमिट कार्ड रिलीज करेंगे। तो मिड मई में आपको जो है फिज़िकल की आपको अपडेट मिलने वाली है, और जैसे ही ऑफिशियल अपडेट आ जाएगी तो मैं आपको वो भी अपडेट कर दूंगा। तो फिलहाल तो अभी कोई ऑफिशियल अपडेट नहीं आई है, लेकिन हाँ मिड मई में आपको जनरली आपको अपडेट मिल जाएगी, और जुलाई में ये तो 99% आपको ये चांसेस है कि आपकी जुलाई में ही आपकी फ़िज़िकल होनी है। तो 99% आप ये फिक्स रखो कि आपकी जो है, सॉरी जुलाई में नहीं, जून में, मई में आपको अपडेट, मिड मई में अपडेट आएगी, जून के मिड में आपको जो है फिज़िकल होने वाली है। तो जो भी ये सोच रहे हैं कि अभी हमें जुलाई तक टाइम मिलने वाला, अगस्त तक टाइम मिलना है, तो बिल्कुल ऐसा ना करें, अपने फिज़िकल पे ध्यान दें, क्योंकि यहाँ पे आपको 5 किलोमीटर्स रनिंग करनी है, जो कि आपको एक दिन में तो प्रिपेयर नहीं कर पाओगे अपने आपको। तो आप अपनी प्रिपरेशन पे ध्यान दें, आपको मिड मई में आपको अपडेट मिल जाएगी। तो फिलहाल अगर अभी आप देखते हो SSC के साइट पे क्या अपडेट है, चलिए मैं वो भी आपको बता देता हूँ, और आप फिज़िकल की एडमिट कार्ड कहाँ से डाउनलोड कर पाओगे, चलिए वो भी मैं आपको पूरा अपडेट दे दूँगा। तो अगर अभी जाते हो आप SSC की ऑफिशियल साइट पे, तो फिलहाल वहाँ पे तो है, अभी जो लेटेस्ट अपडेट आई है वो कल ही अपडेट आई थी 4 मई को, ये देख सकते हो, जो कि आपको SSC की MTS से रिलेटेड अपडेट आई थी। तो अभी SSGD की कोई भी लेटेस्ट अपडेट नहीं आई है, और जो भी अपडेट आएगी वो इसी साइट पे आएगी। और जहाँ तक बात रही एडमिट कार्ड की, तो एडमिट कार्ड आपको रीजनल साइट से डाउनलोड होती है, जैसे कि आपने रिटर्न कर एडमिट कार्ड डाउनलोड किया था, आपको जैसे कि सारे रीजनल अलग होते हैं, ईस्टर्न जोन होता है, वेस्टर्न जोन होता है, सारे जोन वाइज आपको वो है एडमिट कार्ड रिलीज़ करते हैं। तो किन्हीं जोन का एडमिट कार्ड आपको एक दो दिन पहले मिल जाएगा, किसी का एक दो दिन बाद मिलेगा, तो उसमें आपको जो है पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। और जैसे ही आपको अपडेट आ जाएगी, मैं सारे आपको जून की लिंक फॉरवर्ड कर दूंगा अपने टेलीग्राम चैनल पे, या फिर मैं आपको वीडियो प्रोवाइड करके डिस्क्रिप्शन लिंक में भी वो सारे लिंक डाल दूंगा। तो आपको टेंशन लेने की बात नहीं है, बस आप इस चैनल से जुड़े रहिएगा, और कोई भी अपडेट आती है मैं आप लोगों को तुरंत अपडेट कर दूंगा। तो फिलहाल तो इस वीडियो में इतना ही, आई होप आपकी जो फिजिकल से रिलेटेड हेजिटेशन हो रही थी, आपके मन में जो डाउट थी, वो सारे डाउट अब क्लियर हो गई होगी। तो जैसे ही कोई अपडेट आता है मैं आपको तुरंत फॉरवर्ड कर दूंगा। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन जय हिंद जय भारत।